निवेश किया, आज अगर पोर्टल से आरसी को भुगतान मिल रहा है 50,000 तक का ही भुगतान मिल रहा है, तो 5,00,000 से ऊपर वालों को क्यों नहीं मिल रहा है सर? जब नियामक एक है तो दो कानून क्यों? बड़े निवेशकों के लिए अलग कानून क्यों और छोटे निवेशकों के लिए अलग कानून क्यों? क्या बड़े निवेशकों को पैसों की जरूरत नहीं है? क्या छोटे निवेशकों को भी पैसों की जरूरत है? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। मेरा मानना है कि आप परसेंटेज में देते, 10% देते, 20% देते, 15% देते, जो भी देते, लेकिन सबको एक समान देते। आप जो भेदभाव के रूप में दे रहे हो, एकदम कट टू कट सवाल करते जाते हैं, सब सवाल जवाब देखेंगे तो लोगों को भी ठीक लगेगा। निवेशकों में जो कार्यकर्ता निवेशक है, ऐसी कार्यकर्ता निवेशक में बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता निवेशक क्या सोच करके निवेश करते जा रहे थे और इतना इतना पैसा निवेश कर रहे थे, 10 लाख 20 लाख 1-1 करोड़ रुपया निवेश कर रहे थे कार्यकर्ता निवेशक, क्या उनके दिमाग में कभी नहीं बात ये आई कि हम ये पैसा किसी दूसरे बैंक में जमा कर देते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं? जो आपने सहारा में निवेश किया, उसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा पानी दीजिएगा। देखिए पाठक सर, अगर कार्यकर्ता ने 100 रुपए निवेश किया है तो उसमें से 10 रुपए उसने अपनी मर्जी से निवेश किया है और 90 रुपए उसने मजबूरी में निवेश किया। मजबूरी उसकी ये थी, हाँ बताइए, मजबूरी इसकी ये थी कि जब भुगतान हो नहीं रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है और दूसरी तरफ से कंपनी द्वारा कंपटीशन दिया जा रहा था, कई योजनाएं चलाई जा रही थी कि आप इतना करोगे तो आपको इतना मिलेगा। अब उस कंपटीशन में सेल्फ के कोड में जो बिजनेस करता था, एनआई करता था, व्यवसाय करता था, और एक तरफ से भुगतान नहीं मिल रहा है तो उन कार्यकर्ताओं ने अपना स्वयं का निवेश वहां कर दिया कि जब वैसे भी नहीं मिल रहा है या पैसा पड़ा ही है तो कहीं ना कहीं एफडी बना देते हैं इसकी, ताकि कंपटीशन में भी काम आ जाएगा, क्वालिफाई भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो पैसा ब्याज का भी बढ़ जाएगा। लेकिन इन्होंने 90% पैसा मजबूरी में इन्वेस्ट किया। अब ये देखिए किस तरह से फैला रहे हैं। एक संजय यादव जी वो कह रहे हैं कि हर महीने रिटायर्ड जज को देखरेख के लिए 20 लाख रुपया महीना मिल रहा है। कहां 20 लाख रुपया मिल रहा है साहब, ऐसा मत बोलिए। 20 लाख रुपया महीना किस जज को मिल रहा है? पैसे मिल रहे होंगे लेकिन 20-20 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं, इतना भी असत्य ना बोला जाए। पैसे जरूर मिल रहे होंगे जो जो जज अपॉइंट है, जिनके देखरेख में निवेशकों की अदायगी हो रही है, उनको पैसे तो मिल ही रहे होंगे, लेकिन 20 लाख रुपए तो नहीं मिल रहे होंगे, ये तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको। 15 लाख रुपए मिल रहे होंगे सर, 15 लाख और 5 लाख 20 लाख रुपए हो गए। नहीं मालूम है, 15 लाख भी ऐसा नहीं हो सकता है। अरे साहब ऐसा लूट नहीं मची हुई है, 15 लाख में नहीं मिल रहा होगा, जो भी लोग कोच बोल देते हैं 5 लाख 7 लाख बहुत हो गया। तो 15 लाख सर, उनको 10 लाख ही मिल रहा, 5 लाख ही मिल रहा, पर मिल तो रहा है या जमा करता है और कार्यक्रम को एक रुपया नहीं मिल रहा सर। ठीक है, वो तो सर जमा करता है कार्यकर्ता को रुपया नहीं है, वो तो 15 लाख 5 लाख 10 लाख 1 लाख वो तो ले रहे हैं ना, उनका तो इन्वेस्ट भी नहीं है वहां पर, उनका कोई जमा पूंजी भी नहीं है, उनकी जमा हमारी है। मुकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो जो कार्यकर्ता जो थे उन्होंने जो पैसा निवेश किया, अभी चौबे साहब ने कहा कि 10% तो उनकी मजबूरी थी और 90% तो अपने मन से किया था, 90% मजबूरी थी उनकी, तो वो कौन सी मजबूरी थी, वो कौन सी मजबूरी थी जो वो खुद अपने ही पैसे को निवेश करता जा रहा था? सर एक तो ब्रांचों से दबाव होता था, एक तो कमीशन देने के नाम पे वो कमीशन नहीं देते, वो दबाव डालता इतना कराओगे तो मिलेगा। दूसरा इसके बाद भुगतान बंद कर दिया उन्होंने देने से, आगे हेडक्वार्टर से पैसा आना बंद हो गया और जमाकर्ताओं का इतना टेंशन देने लग गया और इतना जमाकर्ताओं का सामना करना भी बहुत परेशानी जैसी बात हो गई। यानी जमाकर्ता आमने सामने आने के बाद मतलब इस तरह से गाली गलौज करते तो कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से पैसा दे के जमाकर्ताओं का मुंह बंद किया। आज उनका जो पैसा दिया हुआ है वो पैसा भी उनके नाम से है जिनको जमाकर्ता को दे चुके,
अब वो पैसा कब आया कब दिया पता नहीं। आज वो जमा करता दोहरी दोहरा भुगतान लेने के लिए लिखा हुआ है। फिर एक तो कार्यकर्ता ने अपने अपने आप को बचाने के लिए दे दिया पैसा उसका, और उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट ब्याज के चक्कर में सर्टिफिकेट भी नहीं दिए जमाकर्ताओं ने कार्यकर्ता को, क्योंकि कार्यकर्ता ने तो उसको भुगतान कर दिया मूल दे के एक बार, वो किसी ने भी ब्याज समेत नहीं दिया। और आज थोड़ा बहुत अगर बचा भी चक्कर में उसने सर्टिफिकेट उनके पास रखे हुए हैं। आज परेशानी कार्यकर्ता सबसे ज्यादा ले रहा है सर, क्योंकि आज जमाकर्ता को तो भुगतान बहुत से जमाकर्ताओं को तो कार्यकर्ता ने अपनी जेब से दे दिया है। आज उस कार्यकर्ता का भुगतान सारा उस पर फंसा हुआ है, और अब वो कैसे लेगा। अब उस कार्यकर्ता से बार बार जैसे पोर्टल पे जाने की डिपेंसी निकालनी होती है तो बार बार जाता है कार्यकर्ता जमाकर्ता के पास जाता है, जमाकर्ता 10 बात और अलग से सुना देता है, और उसके बावजूद गाली गलौज अलग सुननी पड़ती है। यानी कार्यकर्ता तो सब तरह से मरा हुआ है सर, क्योंकि आज देखा जाए अमित लाल जैसे जो झूठे इतने बड़े झूठे अमित लाल जैसे झूठे आधा मुंह छुपा के, क्योंकि उनको पता है पूरा मुंह बताएंगे तो जमाकर्ता इनको पकड़ेगा, क्योंकि इनका झूठ सारे जमाकर्ताओं ने देख लिया, इनके वहां वाले जमाकर्ताओं ने इनको पकड़ा है, उनको बहुत कुछ सुना है, जमाकर्ताओं ने बहुत सुनाती है, मुंह छुपा के आते हैं वो झूठ बोलने के लिए। अब मुझे ये बताइए जिन लोगों ने, अब हम जैसे लोगों ने 600 आदमी 200 आदमी के पोर्टल पे कंप्लेन की, और हमारे उनमें से एक दो आदमी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 20 लाख उनको सैलरी मिलेगी, जरा सर्च करके देखिए तो कहां पे है सुप्रीम कोर्ट के कौन से आदेश में है 20 लाख सैलरी होगी जजेस की, जरा सर्च करके देखिए फटाफट। 15 लाख रुपए सैलरी और उनके सहायक को 5 लाख 20 लाख रुपए मिल रहे दोनों को मिला के, आज 20 लाख वो हर महीने ले जा रहे, और यह हमारा पैसा जमा है रुपए में मिल पा रहा हमें सर। वही अभी देख लेते हैं ना, अभी पता चल जाएगा, जरा हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि 20 लाख रुपए सैलरी है। जिनका जमा पूंजी उनको 10 से 50 हजार दे रहे, जिनका जमा नहीं है उनको 10 लाख 5 लाख 2 लाख, आप तो 2 लाख ही मान लीजिए, हम तो 10 लाख 15 लाख भी नहीं मानते, 2 लाख ही मान लीजिए। एक मिनट रुकिए प्रदीप जी, ये बताइए कि अभी जो अब निवेशकों के एक्चुअल निवेशकों के जो बारे में हमको जानकारी मिल रही है, वो जो छोटे निवेशक हैं 10,000, 20,000, 5 लाख रुपए तक वाले, उनकी संख्या तो जो ज्यादा है वो है, लेकिन जो पोर्टल में बड़े निवेशक हैं वो सारे के सारे निवेशक 90% से अधिक निवेशक कार्यकर्ता हैं, इसमें कितनी सच्चाई है जी? 90% नहीं तो सर ये मान के लो कि 60-70% तो है ही, जो बड़े निवेश जिन्होंने पोर्टल पे अप्लाई किया है। तो पोर्टल पे तो अभी अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है ना, पोर्टल में तो 5 लाख से 5 लाख तक तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप 5 लाख के ऊपर। हम तो निवेशकों की बात कह रहे हैं जिनका निवेश 5 लाख रुपए से अधिक है और वो सहारा के एजेंट भी रहे हैं, ऐसे लोगों की कितनी संख्या है। और इसीलिए सहारा प्रबंधन जो है, मैं इसलिए आज डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सहारा प्रबंधन आखिर मौन क्यों बैठा है, क्यों मौन बैठा है, उनके मौन का तो अभी मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है उस जानकारी के हिसाब से जो छोटे निवेशक हैं उनको 10-15 हजार 25 हजार करोड़ रुपए जो भी देना है वो दे दिया जाएगा पोर्टल के माध्यम से, वो आज मिले कल मिले 10 साल का प्रोजेक्ट हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सहारा प्रबंधन जिनको जो उनके निवेशक हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता का पैसा सबसे ज्यादा है, और इन कार्यकर्ताओं के बहुत सारे लूपहोल सहारा प्रबंधन को मालूम है, इसीलिए वो विचलित नहीं हो रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है चौबे जी बोलिए। हाँ वो 15 लाख और 5 लाख वाला जो मैटर था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, जो पोर्टल पे लिखा हुआ है कि 15 लाख पर मंथ भी पेड टू जस्टिस आर सुभाष रेड्डी फॉर्मर जज ऑफ दिस कोर्ट एंड 5 लाख पर मंथ भी पेड टू श्री गौरव अग्रवाल नॉन एमएस करियर लवाल देर हॉनरियम
15 लाख रुपया जज को और 5 लाख रुपया ऑनरेरियम एमिकस क्यूरी को किसको? गौरव अग्रवाल, गौरव अग्रवाल को भेजिए जरा सा, भेजिए हमको व्हाट्सएप पर भेजिए। एक मिनट रुकिए सर, यह राजस्थान में सरकार के पैसे है ना, उद्योग के पैसे, सरकार के पैसे हैं या आपके पैसे हैं? एक मिनट, सरकार के नहीं, कार्यकर्ताओं के पैसे हैं, कार्यकर्ताओं के पैसे हैं। कहाँ लिखा हुआ ऑर्डर? सारा जमा करता होता कार्यकर्ताओं के पैसे है ना, सरकार दे रही उनको सैलरी, सैलरी कटती है तो ये हमारे पैसे से ही मिल रही उनको सैलरी सर।